अवसर पर हर राज्य हर देश हर ग्रामीण में आप लोगों खुशी का माहौल तैयार किए जा रहे हैं। इसलिए आप लोग मेरे विचार है कि आप लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस रैली को सफल बनावे, किसी तरह की अफवाह ना फैलावे, किसी तरह की अपना नारा ना लगावे जिससे विवाद उत्पन्न हो। साथियों आज यहाँ पर पहुँचे हुए हमारे माताएं बहने भाइयों सभी वार्ड सदस्य पंचायत समिति सभी बुद्धिजीवियों समाज कार्यकर्ता सभी को मैं इस राम लीला को ग्रहण करने के लिए मैं सभी को बहुत इस रैली को बहुत शांतिपूर्वक ईमानदारी ढंग से आप लोग सफल बनाए, इसमें हम भी आप लोगों के साथ हैं। खुश है कि आज अयोध्या में राम जी का आगमन हो रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। आज आदरणीय हमारे युवक के मुख्य अध्यक्ष हमारे विजय बाबूजी और तमाम लोगों को आज इस खुशी के मौके पर सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अयोध्या में श्री राम जी का आगमन होने जा रहा है, उसी की खुशी में पूरे देश खुशी का माहौल है और आप लोग भी खुशी मनाएं, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। और हमारे मुखिया जी जैसे बोले कि नारा जो है जो श्री राम जी का है वो लगाते हुए शांति से आपका जुलूस निकालें, हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद जय भारत जय राम। जो प्रोग्राम में शोभा यात्रा जो निकाले गए हैं इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। आज बरसों के बाद आज हम लोग का भारतवर्ष में खुशी का माहौल है और श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में रूपी पंचायत में शोभा यात्रा निकाली जा रही है और बहुत शांति ढंग से यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोग बरसों से हिंदू मुस्लिम एकता बना के चलते आ रहे हैं और सब भाई भाई हैं। जय श्री राम। हाँ शोभा यात्रा जो निकाला गया जी आज 22 जनवरी 2024 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमारे पंचायत लोपी में शोभा यात्रा निकाला गया है। इसमें सभी पंचायतवासी राम भक्त बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। जो हम लोग का 500 सालों से ये प्रतीक्षा था वो आज पूरा हुआ। जय बोलेंगे जय श्री राम। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर क्योंकि क्या कब कहां कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको BNB ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें BNB ऑल इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा।